आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो इस श्रृंखला में आज 20 2021 को हम के भोजन के महत्वपूर्ण अंग है यानी कि हम अपने नित्य दिनचर्या में भोजन में इन्हें बहुधा प्रयोग में लेके आते हैं ये सारे शाख जो है वो गुणों से परिपूर्ण होने के कारण बहुत सारे रोगों में या परिस्थितियों में जो है बहुत अधिक लाभकारी होते हैं अब लाभकारी हैं तो कुछ स्थितियों में ऐसा भी होता है जहाँ पर ये हानिकारक प्रभाव भी दिखाते हैं अतः क्योंकि हम इन्हें नित्य सेवन करते हैं तो हमें इनके गुणों की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम क्या खा रहे हैं हम क्या नहीं खा रहे हैं हमें उसके गुण ज़रूर पता होने चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि किन परिस्थितियों में हमें इनका यूज़ करना है और किन में हमें नहीं करना है ताकि हम रोगों से वंचित रह सकें हमें डिजीज़ ना होने पाए तो आइए चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही शाखों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे परवल के बारे में हम लोग जो है वो परवल की सब्जी बेहद पसंद करते हैं खाना बहुत प्रयोग की जाती है नॉर्मली सभी के घर में परवल की मिठाई भी बनती है परवल की बहुत सारी और डिशेस भी बनती हैं कई सारे स्नैक्स के रूप में भी परवल यूज़ किया जाता है तो आइए चलिए जानते हैं इस परवल के गुण क्या होते हैं इस परवल को जो है वो गुजराती में पटोल के नाम से जाना जाता है और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है ट्राइकोसेंथिस डाइका ये गुणों की बात करें तो ये लघु होता है हल्का होता है पाचक होता है इजिली डाइजेस्ट हो जाता है अग्नि दीपक होता है डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है हमारी भूख बढ़ाता है यानी परवल खाना बेहद गुड़कारी है इससे भूख भी बढ़ती है और खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है ये उष्ण होता है स्निग्ध होता है और इसके स्पेशली जो फल होते हैं वो त्रिदोष नाशक होते हैं यानी कि जो परवल होता है परवल का फ्रूट वो आ, क्या होता है त्रिदोष नाशक होता है तीनों दोषों का बैलेंस बना के रखता है शरीर में तो शरीर में निरोगा अवस्था भी रहेगी अगर आप परवल खाते हैं तो अब बात करते हैं इसके औषधीय उपयोग के बारे में तो जो परवल होता है ये आ, जो है बेसिकली पित्त प्रधान रोगों में जो पित्त दोष प्रधान की प्रधानता की वजह से रोग हुए होते हैं उन रोगों में रेचन के लिए स्पेशली एक लैग्जटिव के रूप में काम करता है ये इसका यूज़ किया जाता है और जो इसके पत्ते होते हैं इसके पत्ते और धनिया का जब क्वाथ बना लेते हैं वो क्वाथ फीवर की कंडीशन में बहुत काम आता है तो ध्यान रखिए फीवर में आप इसके पत्तों का और धनिया का क्वाथ बना कर देंगे तो फीवर में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा इसके साथ साथ ही स्किन uh, डिजीज़ेस की कंडीशन में त्वचा रोग जहाँ हो जाते हैं त्वचा रोगों में इसे गिलोय के साथ दिया जाता है गिलोय के साथ इसका काढ़ा बना के देते हैं और इसके पत्तों का रस लगाया जाता है और साथ ही साथ खांसी में जो खांसी आती है खांसी में रक्त विकार हो जाते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं या फिर कहीं पे फीवर है या कृमि को भी नष्ट करने में यह बहुत अधिक गुणकारी है तो देखिए है परवल हम हमेशा खाते हैं लेकिन अब हमें यह पता चल गया कि किन किन परिस्थितियों में स्पेशली फायदेमंद होता है तो उन परिस्थितियों में अगर कभी आपके साथ हो जाती हैं वो परिस्थितियाँ तो आप इनका यूज़ करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा अब हम बात करते हैं लौकी के बारे में बहुत कॉमनली यूज़ होती है मिठाई तक बनती है इसकी इसका हलवा बनाया जाता है सब्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं लौकी खाने की सलाह दी जाती है आ, ये जो लौकी होती है वाइट गोड कहलाती है और लैटिन नेम इसका लैजीनेरिया वलगेरिस है ये गुड़ों की बात करें आ, तो गुड़ों और उपयोग की तो ये गुरु होती है रुचिकारक है सबसे बड़ी चीज़ पित्त और कफ दोष की नाशक है मतलब अगर एसिडिटी हो तो लौकी खाइए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी कफज व्याधियाँ हैं तो आप खाइए पित्तज व्याधियाँ हैं तो लौकी ब फायदेमंद आपके लिए रहेगी धातुओं को बढ़ाने वाली होती है रस धातुओं को <coughs> सॉरी और सबसे बड़ी चीज़ हृदय के लिए हितकर होती है यानी कि हार्ट डिजीज़ में जो है काफ़ी हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है <coughs> तो अब हम बात करते हैं तो अपनी तीसरी शाख के बारे में यानी कुंदरू बहुत कम देखने को मिलता है बहुत सारे लोग इसे पसंद भी नहीं करते लेकिन कुछ लोग इसे बेहद खाना पसंद करते हैं तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा ये जो कुंदरू होता है इसे गुजराती में टिंडोरा कहा जाता है क्योंकि अगर आप गुजरात जाएँ और आपको यही नहीं पता हो कि ये किस नाम से लेना है तो इसे टिंडोरा कहते हैं इंग्लिश में इसे ईवी गोड कहा जाता है और लैटिन नेम इसका कॉक्सिनिया इंडिका होता है गुड़ों की बात करें तो ये गुरु होता है शीतल होता है स्वादिष्ट होता है खाने में लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन करता है ध्यान रखिएगा कि इसे खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो वो जो है कुंदरू का सेवन ना करें आधमान करने वाला होता है यानी कि पेट को फुलाता है पेट में गैस बनती है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की कंडीशन में और जो है कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज की शिकायत किसी को हो तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए साथ ही साथ ये वात, पित्त रक्त दोष नाशक भी होता है तो ये तो बात करी हमने कुंदरू के गुणों के बारे में अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में तो जो कुंदरू होता है जहाँ पर व्रण हो जाते हैं मतलब कुछ अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं या स्किन डिजीज में कुंदरू के पत्तों का जो है वो स्वरस लगाते हैं कुंदरू के पत्ता का रस निकाल कर लगाने से स्किन डिजीजेस में और व्रण अल्सर्स वगैरह में बहुत अधिक फ़ायदा होता है जीभ में जब छाले हो जाते हैं स्टोमेटाइटिस की कंडीशन होती है तो इसके फल को चबाने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है तो ये हमने जाना इसके उपयोग के बारे में कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अब हम बात करते हैं सेम के बारे में सेम जो होता है इसके गुण और उपयोग जो है मधुर शीतल और गुरु होता है बल को बढ़ाने वाला है दहा को यानी कि बर्निंग सेंसेशन को और कफ़ को उ को ये उत, बढ़ाता है यानी कि इसका सेवन करने के बाद दहा बढ़ता है और कफ भी उत्पन्न होता है और वात पित्त दोष नाशक है यह वात पित्त से होने वाली जो व्याधियाँ होती हैं उनको ख़त्म करता है तो पित्तज व्याधियों में इसका यूज़ बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं वातज व्याधियों वाले व्यक्ति इसका सेवन अच्छे से करें बात करते हैं हम इसके बाद टिंडे के बारे में बहुत कम कुछ ही टाइम के लिए हमें देखने को मिलता है लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है टिंडा वैसे ही गुड़ों में भी बहुत अच्छा है इसे हम सिट्रुलस बलगैरिस के नाम से जानते हैं लैटिन नेम इसका होता है गुड़ व उपयोग में ये रुक्ष है वातजनक है बात को बढ़ाने वाला है अत्यंत शीतल होता है लेकिन ये मूत्र को लाने वाला होता है यानी कि किसी को यूरिन और स्टूल की अगर दिक्कत हो रही हो तो उन केसेस में उसके विबंध को खोलता है उनको लाने वाला होता है और सबसे बड़ी चीज़ ये पथरी को दूर करने वाला होता है तो यानी कि जिनको स्टोन की शिकायत है वो पेशेंट्स जो हैं वो इसका यूज़ बहुत अच्छी मात्रा में कर सकते हैं वहाँ आपको इससे लाभ ही मिलेगा टिडे से तो आज हमने जाना तीन चार शाखों के बारे में हम घर में तो अभी तक इन सब का यूज़ करते थे लेकिन जैसे हमें नहीं पता था कि टिंडे को हम यूज़ कर सकते हैं अगर स्टोन किसी को हो तो वहाँ बहुत फ़ायदेमंद है उसे खाना अच्छा रहेगा ठीक है इन सब के अलावा हमें पता चला कि कहाँ पे स्किन डिजीज़ हुई हो तो हम कुंदरू के पत्तों का सोरस लगा सकते हैं जीभ में छाले होने पर इसके फल को चबा सकते हैं होता क्या है हमें कोई भी डिजीज़ हुई हो तो ये तो पता रहता है कि क्या नहीं खाना है लेकिन हमें कभी कभी ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे उसमें हमें फ़ायदा मिल सके तो आपकी दवा एक जगह पे है साथ ही साथ अगर आप उसके साथ साथ पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखते हैं तो आपका रोग बहुत हद तक कम हो जाएगा या फिर आगे नहीं बढ़ने पाएगा तो मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए धन्यवाद